कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी, ये दो टर्म्स हमारे लिए बहुत कॉमन है। कई बार हम इन टर्म्स को यूज़ करते हैं। कैपिटलिज्म जहाँ एक कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को डिनोट करता है, वहीं डेमोक्रेसी एक कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या आप डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म के बीच मौजूद रिलेशनशिप को समझते हैं? क्या डेमोक्रेसी के लिए कैपिटलिज्म का होना ज़रूरी है? और अगर एक कंट्री में कैपिटलिज्म है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस कंट्री में डेमोक्रेसी भी होगा? इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट होगा कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी के बीच मौजूद रिलेशनशिप को समझना। ओके, तो सबसे पहले हम कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं। बहुत ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं कि कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है। कैपिटलिज्म एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को कहते हैं जहाँ लोगों के पास इकोनॉमिक फ्रीडम होगा। ओके, और इकोनॉमिक फ्रीडम का क्या मतलब है? इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब है कि लोग फ्री होंगे मार्केट में, इकोनॉमी में एक बायर और एक सेलर की तरह पार्टिसिपेट करने के लिए लोग फ्री होंगे। रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा लोगों के पार्टिसिपेशन में। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा एम्फेसिस प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर दिया जाता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के ऊपर दिया जाता है। दैट मीन्स एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लोग फ्रीली प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट कर पाएंगे, प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। गवर्नमेंट का मार्केट और इकोनॉमी में कंट्रोल मिनिमम होगा, और जब गवर्नमेंट का कंट्रोल मार्केट और इकोनॉमी में मिनिमम होता है, तब लोगों के बीच डर की भावना नहीं होती है, फियर की भावना नहीं होती है। लोगों को पता होता है कि उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी, उन्होंने जो मेहनत करके वेल्थ एक्यूमुलेट किया, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट किया है, उसे कल होके गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट ना कर ले, टैक्स के माध्यम से सारे उनके वेल्थ को ना ले ले। तो ये फियर, ये डर लोगों के बीच नहीं होगा। और जब लोगों के बीच ये डर नहीं होगा, तो लोग मेहनत करने के लिए प्रेरित होंगे, मेहनत करने के लिए उनके पास एक इंसेंटिव होगा। लोगों को पता होगा कि अगर वो मेहनत करते हैं, मेहनत करके वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं, तो ये प्रॉफिट, ये वेल्थ उनका होगा, सिर्फ उनका। ओके, तो इसी इंसेंटिव के होने के वजह से कैपिटलिज्म में लोग प्रोडक्टिव होंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लोग प्रोडक्टिव होंगे, और अपने प्रोडक्टिविटी को, अपने इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये है कैपिटलिज्म। डेमोक्रेसी एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को कहते हैं जहाँ लोगों के पास फ्रीडम होता है, पॉलिटिकल फ्रीडम होता है। तो जिस तरह कैपिटलिज्म इकोनॉमिक फ्रीडम से रिलेटेड है, उसी तरह डेमोक्रेसी पॉलिटिकल फ्रीडम से रिलेटेड है। पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब है कि लोग अपने रूलर्स को खुद चुनेंगे। ओके, दैट मीन्स कौन लोगों के लाइफ को गवर्न करेगा, लोगों के ऊपर शासन करेगा, लोगों के लाइफ को कंट्रोल करेगा, ये डिसीजन लोग खुद लेंगे। कैसे लेंगे? वोट के माध्यम से। ओके, लोगों के पास वोट देने का अधिकार होगा, लोगों के पास अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का अधिकार होगा, बोलने की आज़ादी होगी। ये सभी पॉलिटिकल फ्रीडम के अंतर्गत आते हैं। लोग वोट दे सकते हैं, लोग अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोग असेंबल कर सकते हैं, एक जगह ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। ओके, लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट को अपोज कर सकते हैं। ये सारे अधिकार लोगों को एक डेमोक्रेसी में मिलेंगी। इसलिए एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट लोगों के प्रति, लोगों के इंटरेस्ट के प्रति अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ये था डेफिनेशन, ब्रीफ डेफिनेशन कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी का। अब समझते हैं कि किस तरह डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या रिलेटेड है भी या नहीं, दोनों के बीच मौजूद रिलेशनशिप को अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। कैपिटलिज्म का एमर्जेंस यूरोप में 14th सेंचुरी में होता है, और डेमोक्रेसी का एमर्जेंस भी यूरोप में ही होता है 16th सेंचुरी में। ओके, वर्ल्ड वॉर टू के बाद और कोल्ड वॉर के दौरान डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म का एक अल्टरनेटिव उभरता है, ओके, सोशलिज्म के फॉर्म में। लेकिन कोल्ड वॉर के एंड के बाद, सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद, ये अल्टरनेटिव भी खत्म हो जाता है, सोशलिज्म कम्युनिस्ट मॉडल फेल हो जाता है। ओके, तो कोल्ड वॉर के एंड के बाद दुनिया भर में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कैपिटलिज्म एक डोमिनेंट इकोनॉमिक मॉडल, इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में उभरता है, और डेमोक्रेसी एक डोमिनेंट पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में उभरता है। ओके, अगर कोई बेस्ट इकोनॉमिक मॉडल है
कोल्ड वॉर के एंड के बाद, तो वो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल, और बेस्ट पॉलिटिकल मॉडल डेमोक्रेसी। ओके, तो कोल्ड वॉर के एंड के बाद कैपिटलिज्म एक डोमिनेंट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की तरह उभरता है, और उसी तरह डेमोक्रेसी डोमिनेंट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम की तरह उभरता है। तो इस बात से हम ये कह सकते हैं, ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि डेमोक्रेसी के होने के लिए कैपिटलिज्म का होना ज़रूरी है। ओके, अगर इकोनॉमिक फ्रीडम है तो आपके पास पॉलिटिकल फ्रीडम का भी होना ज़रूरी है। यहाँ पर इकोनॉमिक फ्रीडम और पॉलिटिकल फ्रीडम को जोड़ कर देखा जा रहा है। देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। जब आपके पास इकोनॉमिक फ्रीडम होगा तब आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, आप आत्मनिर्भर होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंस क्या है? फिनेंशियल इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंट। आपको गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करना नहीं होगा, गवर्नमेंट के ऊपर आपको डिपेंड करना नहीं होगा अपने बेसिक नीड्स के लिए, अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए। और जब आप खुद अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं अपने मेहनत से, ओके, क्योंकि आपके पास इकोनॉमिक फ्रीडम है, तब आप ये भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो रूलर अथॉरिटी में बैठकर आपके लाइफ को रेगुलेट कर रहा है, आपके लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस ले रहा है, पॉलिसीज ले रहा है, जिन पॉलिसीज से आपके आपका लाइफ, आपका एक्टिविटी, आपकी अपॉर्चुनिटीज अफेक्टेड हो रही हैं, तब आप ये चाहेंगे कि आप उस गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस करें। ओके, आप इन्फ्लुएंस करें कि गवर्नमेंट कौन से डिसीजंस लेती है। ओके, आप इन्फ्लुएंस करें गवर्नमेंट के डिसीजन को, गवर्नमेंट के पॉलिसी को। और ये तभी पॉसिबल है जब आप इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट हो। ओके, अगर आप एक सोशलिस्ट कंट्री की बात कर लें तो सोशलिस्ट कंट्री में क्या होता है कि लोग गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने बेसिक नीड्स के लिए। और जब आप गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपने बेसिक नीड्स के लिए, तब आप गवर्नमेंट को फ्रीली क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, गवर्नमेंट को अपोज नहीं कर पाएंगे, तब आपको पॉलिटिकल फ्रीडम की कोई यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, जब आप अपने बेसिक नीड्स को खुद फुलफिल कर पा रहे हैं, तब आप पॉलिटिकल फ्रीडम का भी डिमांड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक फ्रीडम को पॉलिटिकल फ्रीडम से जोड़कर देखा जा रहा है। ओके, तो कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि हाँ, कैपिटलिज्म अगर है तो फिर डेमोक्रेसी का होना भी आवश्यक है, डेमोक्रेसी होगी ही। पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम एक दूसरे से रिलेटेड है, क्लोजली अलाइंड है। लेकिन यहाँ पर आप एक एक्सेप्शन देख सकते हैं चाइना के फॉर्म में। चाइना एक एक्सेप्शन यहाँ पे प्रेजेंट करता है, चाइना एक एक्सेप्शनल केस है। चाइना में लोगों के पास इकोनॉमिक फ्रीडम है लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। ओके, चाइना में लोगों के पास इकोनॉमिक फ्रीडम है लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। चाइना की गवर्नमेंट लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम तो देती है लेकिन उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं देती। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि चाइना सक्सेसफुली ग्रो कर रहा है और वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह देखा जाता है। ओके, तो चाइना यहाँ पर एक एक्सेप्शन प्रेजेंट कर रहा है। चाइना के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक फ्रीडम और पॉलिटिकल फ्रीडम के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ अलाइंड नहीं है। ये एक्सेप्शन चाइना हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। आइए इस आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाते हैं। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर कोई कंट्री कैपिटलिस्ट है तो धीरे धीरे वो कंट्री डेमोक्रेटिक बन जाएगा। अगर एक कंट्री में कैपिटलिज्म है तो वहाँ पे धीरे धीरे डेमोक्रेसी आएगा। और डेमोक्रेसी के आने के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट कारण क्या है? मिडिल क्लास। अगर एक कंट्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को अपनाती है तो धीरे धीरे उस कंट्री में एक मिडिल क्लास का इमर्जेंस होता है, एक मिडिल क्लास बनने लगता है। कैपिटलिज्म से पहले दो ही क्लास थे, अपर क्लास एंड लोअर क्लास। ओके, अपर क्लास सेल्फ सफिशिएंट, उन्हें गवर्नमेंट पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। लोअर क्लास, इनके पास कुछ भी नहीं, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल आएगा तो धीरे धीरे एक कंट्री में मिडिल क्लास का इमर्जेंस होता है, और यही मिडिल क्लास पॉलिटिकल फ्रीडम का डिमांड करता है। ये मिडिल क्लास एक डिफरेंट और एक स्पेशल और बहुत यूनिक इकोनॉमिक सोशल क्लास है। ओके, जो ना तो बहुत अधिक अमीर होगा और ना तो बहुत अधिक गरीब होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है इन मिडिल क्लास के लोगों से रिलेटेड कि ये क्लास एस्पिरेशनल होते हैं, बहुत एस्पिरेशनल होते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अधिक होती है। ओके, और क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है, और ऑब्वियस सी बात है ये किनसे एक्सपेक्ट करेंगे? गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे। तो क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक होती है, इसलिए
ये पॉलिटिकल फ्रीडम को डिमांड करते हैं, ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ और डिसीजन को इन्फ्लुएंस करें, वैसे पॉलिसीज़ वैसे डिसीजन जो गवर्नमेंट लेती हैं, और उन पॉलिसीज़ और उन डिसीजन से इन मिडिल क्लास के लोगों को इफ़ेक्ट होना पड़ता है। तो ये मिडिल क्लास के लोग चाहेंगे कि ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ और डिसीजन को इन्फ्लुएंस करें, ये डिमांड करते हैं, ये मिडिल क्लास के लोग यही डिमांड करते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम का। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक सीक्वेंस इस्टेब्लिश हो रहा है, एक एक चेन इस्टेब्लिश हो रहा है। पहले कैपिटलिज्म आएगा, कैपिटलिज्म के आने के बाद मिडिल क्लास का एमर्जेंस होगा, मिडिल क्लास पॉलिटिकल फ्रीडम को डिमांड करेगा और फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी आएगा। तो ये एक सीक्वेंस इस्टेब्लिश हो रहा है, कैपिटलिज्म, मिडिल क्लास, डिमांड फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम एंड देन डेमोक्रेसी। अगर आप इंग्लैंड की हिस्ट्री को देखें तो आप इंग्लैंड में ये सीक्वेंस क्लियरली वहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं, क्लियरली इस सीक्वेंस को आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लैंड में पहले कैपिटलिज्म आया, फिर वहाँ धीरे धीरे मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ, फिर यही मिडिल क्लास पॉलिटिकल फ्रीडम को डिमांड किया और फिर इंग्लैंड में धीरे धीरे ग्रेजुअली डेमोक्रेसी को लाया गया। यूएसए में भी यही हुआ। अगर आप रिसेंट एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं तो ताइवान और साउथ कोरिया का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ताइवान और साउथ कोरिया ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। ओके, ताइवान और साउथ कोरिया इन कंट्रीज़ में पहले कैपिटलिज्म को लाया गया। ओके, कैपिटलिज्म को लाया गया, फिर धीरे धीरे यहाँ पे मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ, फिर ये मिडिल क्लास पॉलिटिकल फ्रीडम को डिमांड करता है और यहाँ पर भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, तो ये एक एक सीक्वेंस है, ये एक अजम्पशन है। ओके, जिसका हम एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि चाइना में भी इस सीक्वेंस को हम देख पाएंगे आने वाले दिनों में, चाइना भी इसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा। ओके, आज चाइना में कैपिटलिज्म है, धीरे धीरे चाइना का जो मिडिल क्लास है वो रियलाइज करेगा कि उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम की ज़रूरत है, और चाइना का मिडिल क्लास भी पॉलिटिकल फ्रीडम को डिमांड करेगा, और जब चाइना का मिडिल क्लास पॉलिटिकल फ्रीडम डिमांड करेगा तो चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास इन लोगों को, चाइना के मिडिल क्लास को पॉलिटिकल फ्रीडम देने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास। ओके, तो ये अजम्पशन है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि चाइना भी इसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा और वो भी एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आज चाइना सिर्फ कैपिटलिज्म है, लेकिन धीरे धीरे चाइना के मिडिल क्लास की वजह से चाइना भी डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे स्कॉलर्स भी हैं जो इस अजम्पशन को रिजेक्ट करते हैं। उनका कहना है कि नहीं, चाइना में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इन स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग चाइना के मिडिल क्लास के सामने अगर दो ऑप्शन रख दिया जाए कि आपको इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए या पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए, ओके, चाइना के मिडिल क्लास को ये कहा जाए कि वे इकोनॉमिक फ्रीडम और पॉलिटिकल फ्रीडम में से किसी एक को चुने, तो चाइना का मिडिल क्लास हमेशा इकोनॉमिक फ्रीडम को चुनेगा। देखिए, चाइना के मिडिल क्लास को पता है, इन स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग चाइना के मिडिल क्लास को पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर चाइना में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो चाइना जिस पेस, जिस स्पीड, जिस गति से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है वो इस गति से ग्रो नहीं कर पाएगा। ओके, तो चाइना के लोगों को जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो इम्प्रूव हुआ है, वो इसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के वजह से हुआ है। इसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से चाइना इकोनॉमिकली ग्रो कर पाया। तो चाइना के मिडिल क्लास को पता है कि अगर लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम दे दिया जाए तो हो सकता है कि चाइना में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए, और अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है तो चाइना का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी घटेगा, कम होगा। चाइना के मिडिल क्लास को पता है कि चाइना के पास एक कॉम्पिटेंट, एक बहुत ही कॉम्पिटेंट, एक सुदृढ़ लीडरशिप है जो चाइना में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखे हुए हैं, और ये भी इंश्योर कर रहा है चाइना का लीडरशिप कि चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी स्टेबल हो, चाइना इकोनॉमिकली इसी तरह ग्रो करता जाए। तो चाइना का मिडिल क्लास पॉलिटिकल फ्रीडम का डिमांड नहीं करेगा तब तक जब तक चाइना में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तब तक जब तक चाइना के लोगों के पास इकोनॉमिक फ्रीडम है, चाइना के लोग इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, चाइना इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, जब तक ये हो रहा है चाइना का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जब तक इसी गति से, इसी स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, तब तक चाइना का मिडिल क्लास पॉलिटिकल फ्रीडम का डिमांड नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना एक अलग एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहा है कैपिटलिज्म का, अथॉरिटेरियन कैपिटलिज्म। ओके,
वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमने देखा, यूरोपियन कंट्रीज़ में हमने देखा, अमेरिकन कंट्रीज़ में हमने देखा, वहाँ पे डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल है, वहाँ पे डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को कंबाइन किया गया। लेकिन चाइना में, क्योंकि लोगों के पास पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, यहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म और कैपिटलिज्म को कंबाइन किया गया है और यहाँ का एक मॉडल बन रहा है अथॉरिटेरियन कैपिटलिज्म। ओके, तो चाइना एक डिफरेंट कैपिटलिज्म का टाइप, एक ब्रांड हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है, अथॉरिटेरियन कैपिटलिज्म। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि आज के समय में बेस्ट इकोनॉमिक, बेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का अगर एक कंपटीशन हो तो दो कंटेंडर्स होंगे, पहला डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म और दूसरा अथॉरिटेरियन कैपिटलिज्म। तो दो मॉडल हमारे पास मौजूद हैं, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, अथॉरिटेरियन कैपिटलिज्म। तो दो तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है। एक आर्ग्यूमेंट है कि एक अगर है, दैट मीन्स अगर कैपिटलिज्म है तो डेमोक्रेसी का होना ज़रूरी है। दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि नहीं, डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म दोनों सेपरेटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि अगर एक कंट्री में कैपिटलिज्म है तो वहाँ पर डेमोक्रेसी भी हो। ओके, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।